सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एक छोटे से ब्लॉग। और फिलहाल आज है 27 मई 2024 और मन्नत का है बर्थडे, तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। और देख लो, ऑब्वियसली बाजू लड़कियों के चोचले होते हैं, हर बात पे रोना और बर्थडे के दिन तो खास तौर से रोना। तो आप शक्ल फिलहाल देख सकते हो भाई कुछ ना कहो किसी चीज़ के लिए कह दो तो रोना, और फिलहाल ये वही वाला रोना है। तो फिलहाल हमने कोई खास ऐसी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था, क्योंकि मैडम में खुद के अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, इसलिए हम कहीं बाहरी स्टेशन पे जा नहीं सकते। प्लस जैसे हम रील और हम चीज़ें देख रहे हैं उसके हिसाब से जितने भी हिल स्टेशन हैं, मुझे नहीं पता अभी जैसे मई का महीना चल रहा है लोग पुराने डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, बट दिखा रहे बहुत खतरनाक है, चार चार पाँच पाँच घंटे का प्लान, इसलिए भी हमने प्रैक्टिकल की भी छुट्टी भी नहीं करी, वरना प्रैक्टिकल को हम पोस्टपोन कर सकते थे। तो हम फिलहाल के लिए हिल स्टेशन पर जाएंगे घूमने के लिए आफ्टर सम टाइम, ठीक है। फिलहाल बर्थडे गर्ल आपको जो बोलती है हैप्पी बर्थडे टू मी वाली, वो बर्थडे आपको अभी रोती हुई दिखाई दे रही है। इसी लड़की का बर्थडे है आज, जो अभी मेरे बगल में फिलहाल टसुए भा रही है और खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश कर रही है। देखो आप, खिड़की का वो खोल दिया है साइड का मैट कि मैं किसी तरह बाहर कूद सकूँ। अब मुझे लॉक लगाना पड़ेगा भाई उधर वाला, वरना ये खिड़की से बाहर कूद सकती है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल लॉक लगा दिया है और फिलहाल चलते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा बच्ची का दिल बहला दूँ, थोड़ा सा घर से बाहर टहला दूँ, तो रोड पे घुमाते हैं 10-15 किलोमीटर और एक आइसक्रीम खिला के एक सिग्नेचर ब्रिज पे एक छोटी सी सेल्फी ट्रिप लेके और इसको इसके घर पे छोड़ देंगे और बर्थडे गर्ल हो जाएगी खुश। ऐसे ही होगा यार नॉर्मली। सो गाइज, जैसे कि हमने छोटी छोटी क्लिप देखी, फिलहाल अब फाइनलाइज करके रात के बज गए हैं लगभग 11:30-12 और हम छोटी सी क्लिक के लिए नहीं, कुछ सेल्फीज के लिए खाली, जो चोचलेबाजी होती है आज की डेट में दुनिया में, उसके लिए हम जा रहे हैं फिलहाल सिग्नेचर ब्रिज। तो सिग्नेचर ब्रिज जाके थोड़ी सी सेल्फी क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद में अपने घर जाके अपने आराम से सोते हैं। और ये है हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा। और रोड इस समय रात का टाइम है, खाली है, तो इसलिए हम आराम से थोड़ी सी फ्रेंड की वीडियो भी बना रहे हैं। और ये बैठी हैं मैडम जी, हैं जी, तो इनको छोटी सी लॉन्ग जो इन्होंने ली है अभी सुनार की दुकान से, जो आपने पिछली क्लिप में देखी वो, और जो वहाँ पे दुकान पे जाके इन्होंने वो कपड़े लिए वो सब चीज़ें मिला के, जो दोपहर आपने वीडियो में रोना धोना देखा था वो रात को अब हो गया है ख़त्म। देखा, अब देखना दांतों पे कैसे स्माइल आ गए पीले दांतों पे, और उस समय आप लोगों ने देखा ही था कि उस समय कैसा मुँह बना हुआ था। तो भाई वो लॉन्ग सोना वोना खरीदवा के और वो कपड़े लेके, तो यही भाई लड़कियों के चोचलेबाजी होते हैं, कुछ नहीं करना होता, रोने के बाद में आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना है और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपकी जो जेब है वो खाली करानी है, जो मेरे साथ में हुआ है। तो फाइनली चलते हैं सिग्नेचर ब्रिज पे और देखते हैं, क्योंकि कई बार वहाँ की लाइटें जल रही होती हैं, कई बार नहीं जल रही होती हैं, फिलहाल लाइटें जल रही नहीं जल रही, जाके पता चलेगा। तो लेट्स गो, हम भजनपुरा आ गए हैं और वहाँ से 1 किलोमीटर रह गया हमारा सिग्नेचर ब्रिज। तो फिलहाल देख लीजिए, आ गए हैं फिलहाल सिग्नेचर ब्रिज पे और टाइम हो रहा है आपका 12:17, थोड़ा सा हम आज के दिन से ओवर हो गए हैं, खैर कोई बात नहीं है, आते आते टाइम हो जाता है। और हल्की फुल्की लाइटें जल रही हैं, मगर वो हाई फाई वाली स्ट्रॉन्ग लाइटें नहीं जल रही हैं, हल्की लाइटें जल रही हैं और पब्लिक भी थोड़ी बहुत रुकी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक नहीं रुकी हुई है। और फाइनली आ गए हैं सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर, ये वाऊ यार आप चिक लग ले रहा है राइडिंग, तो दिख गए भाई, आइसक्रीम वाला भी दिख गया। सो गाइस, फाइनली आ गए सिग्नेचर ब्रिज पे, ऑलमोस्ट 12:15 हो रहे हैं आपने देखा, और काफ़ी सारे लोग बाग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, और लोगों ने भी मेरे ख्याल से यहाँ पे केक काटा है, यही केक पड़ा हुआ है फिलहाल फेकम फाकी और ये वो ये। तो फिलहाल हम देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारा क्राउड है यहाँ पे और भीड़ भी जो है फिलहाल और बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है। अब फ्लाईओवर के आप दोनों साइड हम देख सकते हैं प्रॉपर घूम के, ऊपर हल्की हल्की लाइटें जल रही हैं, ये आप देख सकते हो व्यू इस समय, और पीछे पीछे मेरे पीछे भी काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं, अगर आप देख सकते हो सब गाड़ियां खड़ी हैं, सब लोग जो है प्रॉपर इस समय जो है सारा का सारा पब्लिक ही लगी पड़ी है, और इनको अपनी आइसक्रीम खाने से बदले में और तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी चल रही है, जिसमें सिर्फ आप ही लोग इनवाइट हैं, हम दो के अलावा, तो जितने लोग देख रहे हो भाई सबकी तरफ से बहुत बहुत
सो भाई सारी रौनक आ गई। तो इस समय लगभग 12:30 बज गए हैं और बाहर क्राउड जो है वो भरपूर है, ऑलमोस्ट दोनों साइड है प्रॉपर। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, पीछे भी देखो 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं और बड़े वाला सॉन्ग चल रहे हैं, और इधर भी की साइड में और पुल के उस साइड में 2-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। बस एक ही लड़की है पूरे फ्लाईओवर में, इसका मूवमेंट है वो। गाइस फाइनली एंड ऑफ द मोमेंट, हमने कर लिया देसी जुगाड़ जो आप देख सकते हैं फिलहाल। और फिलहाल जो है और का जो सरप्राइज है, सरप्राइज को निकालते हैं फिलहाल और हम काट लेते हैं छोटा सा केक। और ये है आपका हैप्पी बर्थडे केक। सो थोड़ा इसे एक बार इधर भाई, एक सेकंड चीज़ भी निकाल लेते हैं, मुझे फोड़नी नहीं आती है कैसे फोड़ते हैं, मगर हाँ जी हाँ हम उसको कर लेते हैं। थोड़ा साइड में आ जाओ ताकि हम केक को भी कवर्ड कर लें प्रॉपरली। और ये हमारा वीडियो जो है यहाँ से कवर्ड हो जाएगा, आई होप सो। यार गुगली हो गई साला, ये द एंड टाइम पे हमेशा ड्रामा करता है। 50 रुपए का लिया था, टाइम का दिन अब कोटा नहीं, मगर केक से हमारी हो गई वसूली। तो फाइनली हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन एंड हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। तो भाई फाइनली ये हमने सेलिब्रेशन कर लिया है, बहुत ही सिंपल सुशील और सभ्य तरीके से, अपनी गाड़ी पे, अपने बोनेट पे, अपना केक, अपनी बंदी, मतलब अपनी बीवी, तो सारा माल अपना है, अपनी भारत सरकार का रोड, अपना सिग्नेचर ब्रिज, तो यहाँ पे सब कुछ अपना है। नो मोर ड्रामा, नो क्विक रेसिंग। केक को रास्ते में किसी कोई बच्चे मिले उन्हें दे देंगे, थोड़ा बहुत हम खाएंगे। तो होप यू गाइस आपने छोटा सा ब्लॉग को एंजॉय करा होगा, और हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा प्लीज बोलो। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भाई कुछ बोलो कि यार वीडियो में बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस पता नहीं इसे क्या बोलना होगा, जो कहीं प्राइवेट में बोलना होगा। टेम्पो वाला बंदा वो है मेरे ख्याल से सो सा रहा होगा। फिलहाल हम यहाँ बैठे हुए हैं और रात को एंजॉय कर रहे हैं। वही है ना कि कहते हैं भाई दिल्ली की रातें रंगीन होती हैं, शाम हसीन होती हैं। तो फिलहाल हम उसी चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं, रात रंगीन है, शाम हसीन है, और हम दोनों जबीन हैं तो उसी चीज़ का भाई सब मजे ले रहे हैं। और सीधा साधा शुद्ध देसी बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो भाई प्लीज़ कमेंट करना आपको छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करा।
हम निकले भाई दोपहर को, हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, यानी कि ज्वेलरी ली थोड़ी सी इन्होंने, और फिर थोड़े बहुत एक दो जोड़ कपड़े लिए, और फिर थोड़ा सा खाना खाया, और उसके बाद में फिर ये केक कटाया। तो ये काम हमने टोटल सुबह से लेकर शाम तक आज कराए। ठीक है, सही है। कुछ कहना चाहती हो हमारे थोड़े बहुत सब्सक्राइबरों से, जो हमारी छोटी सी फैमिली है? बहुत आ रही होती है भी, अब आ रही है थोड़ी तेज़, बोलोगे तेज आएगी और है ना, अरे इतनी आएगी कहीं पर आएगी। ओवरव्यू देंगे या फिर सुनाई भी देगा।